वेलकम टू ओनली आईएएस। मेरा नाम है देवेंद्र दुबे। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, मैं इस प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ। हमारी और आपकी मुलाकात यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में होती है, लेकिन आज मुद्दा कुछ अलग है, कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर अनुपमा सिंह। इन्होंने सीएससी 2019 में 90th रैंक अवेल की है, वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में, जबकि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन 30 ईयर की एज में स्टार्ट की थी। हम उनसे कई तरीके के सवाल पूछेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स, सीनियर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, मैरिड और अनमैरिड वुमेन से रिलेटेड होंगे। हम उनसे प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और उनके ऑप्शनल पेपर पर भी प्रश्न पूछेंगे, जो कि मेडिकल साइंसेस है। तो अनुपमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके इस ओवरवेलमिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स को कई सारे सवाल पूछने हैं आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपना ये एग्ज़ाम अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो सबसे पहले तो आपने ये तैयारी स्टार्ट कैसे की? मतलब काफ़ी मुश्किल होता है एक बार जॉब पकड़ना, फिर जॉब छोड़कर वापस से इंडिया का टफेस्ट माने जाने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें, उसकी प्रिपरेशन में एंट्री करना। तो ये तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की? क्या आपको पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, या आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा? और एक फ्रेशर जो या तो तैयारी करने की प्लानिंग बना रहा है या तैयारी में अभी आया है, उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जी सर, सर नो डाउट दिस यूपीएससी एग्जाम इज वेरी टफ, और ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब मैंने स्टार्ट किया था। मुझे भी कुछ पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊंगी, लेकिन आज ये करने के बाद आई बिलीव दैट दिस एग्जाम कैन बी क्रैक्ड इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इफ योर वन ईयर ऑफ हार्ड वर्क इज कम्बाइंड विथ फोकस, डेडिकेशन एंड द स्टेप्स आर टेकन इन राइट डायरेक्शन। एंड एज यू नो आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, मेरे मुझे टेंथ के बाद मैंने कभी भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। मेडिकल्स की जनरली नॉलेज और स्टडीज मेडिकल फील्ड पे ही लिमिटेड होती है, जैसे मेरी भी थी। टेंथ में ही मैंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा भी नहीं था। तो जब मैंने स्टार्ट किया जो 2018 में, तो फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था लाइफ में, तो मुझे दिक्कत हुई, काफ़ी दिक्कत हुई जब मैंने स्टार्ट किया। मुझे पेपर पढ़ने में ही 5-6 घंटे लग जाते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इन दिक्कतों के बाद भी कभी हार नहीं मानी। मैं कई बार गिरी, पर मैंने गिर के उठना सीखा खुद से। इसलिए मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूंगी कि चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, बट आप ये 1 साल की तैयारी में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, मेरी जैसे स्टूडेंट कर सकती है, तो ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। नाउ रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन, हाउ आई स्टार्टेड, दैट वाज द ग्रेटेस्ट पार्ट। अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि जैसे पहले आपने एनसीईआरटी स्टार्ट की, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पर गई, और ये अप्रोच कैसा रहा शुरू करने का, इसके बारे में अगर आप कुछ गाइड कर सकें तो। यस सर, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने सिलेबस ही देखा कि ये मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उसके बाद मैंने देखा कि अब मुझे क्या पढ़ना है। तो फिर सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे करंट अफेयर्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने पेपर कभी पढ़ा नहीं था, और हिंदू मुझे पता चला कि हिंदू सारे पढ़ते हैं, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे उसमें वर्ड मीनिंग्स ही समझ नहीं आते थे, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हूँ। फिर भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा काफी। तो मैंने एक डायरी बनाई, उसमें मैंने सारे टफ वर्ड लिखती गई मैं डेली बेसिस पे। वो क्योंकि रिपीट होते थे एडिटोरियल में या कॉलम्स में, उसके मतलब नहीं समझ में आते शुरू शुरू में। तो फिर मैंने एक वर्ड मीनिंग की डायरी बनाई अल्फाबेटिकली, उसमें सारे वर्ड मीनिंग मैंने लिखे। फिर उसके बाद मैंने बुक्स भी स्लोली रेफर किया। एनसीईआरटी में कहूंगी कि मैंने सारे नहीं पढ़े,
क्योंकि मुझे वो भी लगा कि इतनी सारी मैंने एनसीईआरटी खरीद ली, पूरा सेट मंगवा लिया था, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि मैं देखकर ही पहले घबरा गई। तो फिर मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेस देखे कि टॉपर्स क्या बुक लिस्ट बताते हैं। तो फिर मैंने कुछ कुछ एनसीईआरटी पढ़ी, जैसे इकोनॉमिक्स की मैंने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी, ज्योग्राफी की 11th 12th की पढ़ी, और वैसे मैंने पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, मैंने लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा, और बाकी चीजों के लिए भी मैंने ज्यादा एनसीईआरटी को, सारे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, ये 3 4 एनसीईआरटी मैंने अच्छे से पढ़े और बस यही था। और तो उसके बाद आप मैंने धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट की, ऑनलाइन वीडियोस देखे, गूगल पे सर्च किया, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी। एक्चुअली मैंने क्लासेस भी ली थी, मैं दिल्ली गई थी, क्लासेस से भी मुझे काफी हेल्प मिली। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि क्लासेस आर नॉट नेसेसरी, दीज आर हेल्पफुल बट नॉट कंपल्सरी। अगर कोई एस्पिरेंट क्लासेस नहीं भी ले सकता, तो ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि ऑनलाइन इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने अच्छे मटेरियल्स, जैसे आपके चैनल पे भी जब मुझे पता चला, तो फिर मैंने जब ऑनलाइन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने धीरे धीरे 5 6 महीने के बाद क्लासेस एकदम मतलब स्टॉप ही कर दिए जाना, क्योंकि एक बेसिक आइडिया मुझे हो गया था कि पढ़ना क्या है, और फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर क्लासेस मैंने छोड़ दिया था। इसीलिए क्लासेस आर नॉट कंपल्सरी। तो फ्रेशर्स के लिए आपने एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट बताया है कि अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सिलेबस पर जाएं, सिलेबस पर जाने के बाद वो लिमिटेड एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएं, और ऑनलाइन सोर्सेज भी इनफ अवेलेबल हैं कि वो अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर वो क्लासेस नहीं भी लेना चाहते हैं तब भी। तैयारी करने के बारे में आपने कब सोचा? क्या ये आपकी एकेडमिक के दौरान आपने पहले से सोचा हुआ था कि तैयारी करनी है, या फिर या वो पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने ये सोचा कि नहीं अब जॉब ड्रॉप करनी है और उसके बाद अब मुझे इस तैयारी में लग जाना है, वो मोमेंट कैसा था, मतलब कौन सा था, अगर आप उसे रिकॉल कर पा रही हो, अगर आप बताना चाहें तो? जरूर सर। एक्चुअली ये थॉट्स मेरे बैक ऑफ माइंड में जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था 2014 में, उसके बाद से ही आने लगा था, क्योंकि मेरी इधर की सारी स्टडीज कंप्लीट हो गई थी, जिस फील्ड में मैं थी उसमें मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद पर्सनल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी, तो ये बैक ऑफ माइंड में सबकॉन्शियस लेवल पे था, बट ये थॉट्स उतने डीप नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होते गए। जैसे जैसे मैंने काम किया तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, एंड एक्चुअली आई कैन डेफिनेटली रिकॉल द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड, इट वाज अप्रैल 2018, दैट डेट आई आल्सो कुड रिमेम्बर, 27th अप्रैल। एक्चुअली इट वाज माय वेडिंग एनिवर्सरी, एंड द रिजल्ट ऑफ 2018 बैच केम ऑन दैट डे इन 2018। मेरे दिमाग में ये थॉट्स 2018 में शुरू से आने लगा था, जनवरी से ही, लेकिन मेरा बच्चा छोटा था तो मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, वो सबकॉन्शियस लेवल पे दबा हुआ था, मैं खुल के किसी से डिस्कस नहीं किया था। लेकिन मैंने रिजल्ट में देखा, इट वाज अ कोइंसिडेंस कि 2.5 साल का मेरा बेटा था, और उस वाले रिजल्ट में अनु कुमारी जिन्हें टॉप सेकेंड रैंक हासिल की थी, उनका बेटा भी 2.5 साल का था, और मैंने इंटरव्यू देखा, उनका नाम भी अनु था, मेरे घर का नाम भी अनु है, तो मुझे लगा कि ये डेस्टिनी का इशारा है शायद मेरे लिए, या क्या है, भगवान का इशारा है कि शायद मुझे करना है, इसीलिए आज के दिन ही ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैंने उसको और डीपली सोचना शुरू किया, अपने फैमिली में डिस्कस किया, अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर मैं ये डिसीजन उसी दिन ले पाई कि मुझे ये करना है। तो एक जो कहावत कही जाती है कि अगर आप इतिहास को समझते हैं तो उसे दोहरा सकते हैं, तो आपने उस इतिहास को एक बार फिर से दोहरा दिया, तो ये बहुत ही ग्रेटेस्ट मोमेंट था। अच्छा देखिए, डेफिनेटली एक वेल स्टैब्लिश जॉब को छोड़कर तैयारी में जाना ये एक टफ डिसीजन रहा होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ डिसीजन रहा होगा कि आप अपने 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर प्रिपरेशन के लिए जाती हैं। तो आपके लिए ये कितना टफ था और आपने ये इमोशनल मैनेजमेंट तैयारी के दौरान कैसे किया? इसी के साथ मैं एक सवाल और जोड़ दूंगा आपके लिए कि जैसे हर एस्पिरेंट किसी न किसी से इमोशनली अटैच्ड होता है, माता पिता से, हस्बैंड वाइफ से, बच्चों से, या फिर अपने पार्टनर से, तो वो अपनी तैयारी के दौरान कैसे बैलेंस बना सकते हैं, कैसे इमोशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं? सर, रिगार्डिंग माई डिसीजन, इट वॉज रियली अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी। आई वुड से इट वॉज द टफेस्ट पॉइंट इन द इंटायर जर्नी,
मैं ये कहूंगी कि ये किसी भी माँ के लिए बहुत टफ होगा, ये डिसीजन लेना कि अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना जब वो आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मैंने उसे आज तक कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था, तो ये टफ तो था। आपको कई तरह की फीलिंग्स आएगी, इमोशंस आएंगे कि आप रिग्रेट करोगे, आपको कभी गिल्ट आएगा, कभी आपकी ममता आपको खींचेगी। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वही बात है, मैं जब दिल्ली चली गई ये डिसीजन लेके, तो फिर शुरुआत के कुछ समय मेरे रोने में ही बीतते थे। काफी टाइम मेरा रोने में ही जाता था, मतलब कभी कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ के वापस आ जाऊं, नहीं बर्दाश्त होता था। इनफैक्ट कभी कभी तो डेली लगता था कि आज चले जाते, आज चले जाते। लेकिन वही बात है कि मैंने अपने आप को फिर संभाला, अपने आप को समझाया कि मैंने आखिर ये डिसीजन लिया क्यों है, क्योंकि मेरा ये वेल थॉट डिसीजन था। ये मेरा 3-4 साल का जो ये था, सपना था, मैं करना चाहती थी अपने ये लाइफ में, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया था। तो उसको मैं बैक फुट पे नहीं आना चाहती थी, तो फिर मैंने अपने आप को संभाला। इसके लिए मैं एक चीज प्रैक्टिस करती थी कि डेली सुबह में मैं अपने आप को ये याद दिलाती थी, सेल्फ टॉक करती थी, अपने आप से बात करती थी कि मैंने ऐसा आखिर डिसीजन लिया क्यों था, और अगर मैं इसको बीच में छोड़ के जाती हूँ तो अभी तक मैंने जो सेक्रीफाइस किया या मेरे बेटे ने जो सेक्रीफाइस किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो मैं फ्यूचर बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से यही सोचिए कि आपके माता पिता या आपके भाई बहन या कोई भी हो, ये आपको, आप उन्हीं के लिए, उनको कितना गर्व होगा अगर आप ये रिजल्ट में आप टॉप 100s में आते हैं। तो मैंने अपने बेटे को ही अपना मोटिवेटिंग फैक्टर बना लिया था कि मेरे बेटे को कितना, मतलब मुझे कितना अच्छा लगेगा अगर मैं रिजल्ट में मेरा नाम आएगा, तो मुझे ये शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा अपने बेटे के साथ। मैं फिर सोचती थी कि मैं 2-3 महीने का टारगेट सेट कर लेती थी, 2 महीने का, कि इतना फिनिश करके मुझे घर जाना है, बेटे के पास जाना है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई कर पाती थी कि मुझे बेटे के पास जाना है, उसके पहले मुझे इतना फिनिश करना है। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता था और मेरी एक्साइटमेंट बनी रहती थी, और मैं 1.5 महीने पे या 2 महीने पे जरूर घर जाती थी और अपने बेटे से मिलके फिर वापस आ जाती थी। तो इस तरह से मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन की, अपने आप को मोटिवेट किया, और फिर भी कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी, नहीं हो पाती थी पढ़ाई, तो फिर मैं इंस्पिरेशन ढूंढती थी लोगों में, जैसे कि आप, मैंने बताया अनु कुमारी से मैं इंस्पायर्ड थी, उसकी स्टोरी मेरे स्टोरी से मैच करती थी, तो मैं उसके वीडियोस देखती थी। जिस दिन उसका रिजल्ट आया था, उसके घर में कितने खुश थे लोग, उसका बच्चा कितना खुश था, तो ये सब देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था। मैं मैरी कॉम के वीडियोस देखती थी, तो वो भी एक मदर थी। तो आप भी, मैं एस्पिरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी कुछ को रिलेट करें, आप जिससे भी आप अपनी स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं, आप उससे मोटिवेशन ले। इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप दूसरों से इंस्पायर होके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए अगर तो। तो जैसे एक बात कही जाती है कि हमें अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना चाहिए। सो आई विल से कि आप उसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। और आप यही कहना चाहेंगी एस्पिरेंट्स को कि वो जो भी उनकी वीकनेस है जिससे वो इमोशनली अटैच्ड हैं, वो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना लें और उसी स्ट्रेंथ के लिए वो काम करें। ठीक है, देखिए आप एक वर्किंग वुमेन रहीं और मैरिड भी रहीं, और आपने इस तैयारी में एंट्री की और अपने फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने पहले अटेम्प्ट में ही ये सफलता अर्जित कर ली। वुमेन को एक अलग लेवल की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, उन्हें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो अनमैरिड हैं तो उनके ऊपर मैरिज का प्रेशर होता है, अगर वो मैरिड हैं तो कई बार फैमिली मेंबर्स सपोर्टिव मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, और कई तरीके की और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी उन्हें, वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपनी तैयारी में जुटी रह सकती हैं और सक्सेस अचीव कर सकती हैं जैसा कि आपने किया? यस सर, आई वुड से दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई हैड फेल्ट दिस दैट वीमेन आर फेसिंग मच मोर प्रेशर एंड चैलेंजेस देन मेन। अनमैरिड गर्ल्स को शादी की प्रेशर होती है जैसा आपने कहा, फिर सेफ्टी इश्यूज की वजह से पेरेंट्स में चिंता रहती है, अगर शादीशुदा है तो फिर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर बच्चा हो गया तो फिर तो आप रेयरली ही देखेंगे कि बच्चा होने के बाद भी कोई अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सके लड़की। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि इसमें मेरे फैमिली का सपोर्ट था जिसकी वजह से ये हो पाया,
और मैं बाकी लड़कियों को या औरतों को ये मैसेज देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि अगर भगवान ने आपको एक सपना दिया है, एक सपना दिखाया है, तो भगवान ने आपको उसे पाने की भी पूरी ताकत दी है। आपको बस उस ताकत को पहचानना है और उस पे काम करना है। आपको जितना हो सके अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना है। आप अपनी फैमिली को कन्विंस करिए, आपकी फैमिली आपको जरूर सपोर्ट करेगी। अगर वो आप उनको समझाते हैं कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जैसा आपने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली भी नहीं समझ पाती है या सोसाइटल प्रेशर की वजह से नहीं कर पाती है। तो इस सिचुएशन में उन लड़कियों से यही कहूंगी कि अगर अगर इस सिचुएशन में आपको खुद के लिए अकेला भी खड़ा होना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि कभी कभी आपको कोई नहीं समझ पाएगा, तो आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, सपोर्ट तो मुझे फैमिली का था, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मतलब मेरी प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं रहा है कि मुझ पे क्या बीत रही है। तो फिर उस टाइम मैं एक रविंद्रनाथ टैगोर का गीत है, एकला चलो रे, जिसका मीनिंग बांग्ला गीत है, जिसका की मीनिंग है कि इफ नोबडी रिस्पॉन्ड्स टू योर कॉल देन यू हैव टू वॉक अलोन। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वर्किंग वुमेन हैं या फिर मैरिड वुमेन हैं या फिर जिनके ऊपर मैरिज का प्रेशर है, पहले उन्हें कन्विंस करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, बिकॉज़ ये उनके फ्यूचर की बात है, उन्हें स्टैंड लेना ही होगा। तो मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपनी जॉब क्विट की अपनी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो इस डिलेम्मा में रहते हैं कि उन्हें जॉब छोड़कर तैयारी करनी चाहिए या जॉब में रहकर तैयारी करनी चाहिए। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी, उन्हें क्या करना चाहिए? क्विटिंग अ जॉब इज अ डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज इट मे बी अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। मैंने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि मैं एज सीनियर रेजिडेंट काम कर रही थी, और वर्किंग एज अ सीनियर रेजिडेंट इन अ हॉस्पिटल हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू। आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, आपको ड्यूटी आवर्स के बाद भी पेशेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने ये अपना पर्सनल डिसीजन लिया कि मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास समय भी कम था। मैंने एक साल में ही सोचा था कि मुझे जो करना है, तो फिर मैंने इसलिए जॉब छोड़ा। लेकिन दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आप एक दो साल इसको बेयर कर सकते हो, आपकी फैमिली में है, तो मेरे हिसाब से, इन माई पर्सनल ओपिनियन, कि आप एक साल तो आप जी जान से पूरी शिद्दत के साथ सिर्फ यूपीएससी के लिए तैयारी करके देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत टाइम मिलेगा। आप एक्स्ट्रा आप अपना एफर्ट एक साल में ही अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हो। लेकिन ऑल्सो आई वुड से दैट दिस इज नॉट एन यूनिवर्सल रूल। अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो जॉब को क्विट करना, तो आप स्टडी लीव लेने की कोशिश कर सकते हो। और इसके अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे टॉपर्स को देखोगे जो फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स रहकर भी टॉप कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने जितने टाइम मिलते हैं उनको यूटिलाइज करिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। आप ऑन द वे टू योर वर्क यू कैन यूज इंटरनेट और यू कैन यूज योर वीकेंड्स ऑल्सो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन दिया है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें पूरा डेडिकेशन देना चाहिए, इस तैयारी के लिए समय देना चाहिए। लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे लोग जॉब के साथ सफलता अर्जित कर लेते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन था आपका, बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन था आपका वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। एक और सवाल था जो मुझे लगता है कि सीनियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछना चाहेंगे। आपने अपनी तैयारी काफ़ी देर से शुरू की, लगभग आपकी 30 साल की उम्र रही होगी जब आपने इस तैयारी को शुरू किया। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लेट से तैयारी शुरू करना चाहते हैं या फिर वो अपने तैयारी के अंतिम पड़ाव में हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कुछ हाथ आएगा भी या नहीं आएगा, या तैयारी करना इस पड़ाव पे उचित है या नहीं है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ज्यादा टाइम अटेम्प्ट नहीं बचा होगा। खासकर विमेन तो ऐसी होंगी जो कि मैरिड हो, किसी प्राइवेट जॉब में हो या होम मेकर हो, तो उनको इच्छा होती होगी करने की, लेकिन वो
हिम्मत नहीं जुटा पाती होंगी, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। आप एक बार लग भी जाते हो, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे तो ये भी भरोसा नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, कुछ भी पता नहीं था, काफी अनसर्टेनिटी रहती है। तो आप ये डिसीजन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप पे भरोसा रखें। अगर 1 साल भी आप मेहनत करके, इसकी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल, मतलब मैं खुद को बता सकती हूँ कि मुझे भी बहुत दिक्कत हुई है। इनिशियल फेज में मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा है, उसके बावजूद अगर मैं अचीव कर सकती हूँ तो ये एक अटेम्प्ट में कोई भी अचीव कर सकता है। ये बहुत बेहतर जवाब था कि अगर वो चाहते हैं पूरी जील के साथ तो अपना समय और डेडिकेशन दे सकते हैं। अच्छा, चूंकि प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है और आपने अपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अभी वो एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? मतलब कुछ ऐसी बातें जो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए ताकि वो श्योर हो सकें कि उन्हें मेंस देने का मौका मिलेगा। जी सर, प्रीलिम्स काफी पास है, बस 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं उनको बोलना चाहूंगी, रिवीजन, क्योंकि वो जितनी बार रिवीजन कर सके प्रीलिम्स उतना इजी हो जाएगा उनके लिए। अभी जितना समय बचा है, लिमिटेड टाइम, उसमें एटलीस्ट एस्पिरेंट्स 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी लास्ट के 1.5-2 महीने में सारे टॉपिक्स को 2 बार रिवाइज कर लिया था। इसके लिए एक की है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, मुझे नोट्स ने काफी हेल्प की थी। मैं शुरू से नोट्स नहीं बना पाती थी, लेकिन एंड मोमेंट में मुझे लगा कि जब मैं रिवाइज करती थी तो मुझे बुक से रिवाइज करने में काफी टाइम लग जाता था। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए, इतने शॉर्ट कि आप एक चैप्टर को जैसे आप 10 मिनट में पढ़ पाओ। सिर्फ कीवर्ड्स, और बहुत सारे कीवर्ड्स जो आपको याद नहीं रहते हैं, जैसे आप इमरजेंसी का चैप्टर हुआ तो उसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं। तो लेकिन मैंने वही वही उसमें लिखा जो मैं भूलती थी बार बार। तो ये लास्ट के 2 महीने में मैंने 1 महीना सारा नोट्स बना लिया। करेंट अफेयर्स के लिए भी मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिए, और पूरे टाइम को मैंने डिवाइड कर लिया कि 3 to 4 days पर सब्जेक्ट, आपके 8 ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको डिवाइड कर लिया और उसी हिसाब से गोल्स बना के उसको रिवाइज करती रही। और मैंने एक चीज की थी कि मैंने एक रजिस्टर अलग से बनाया था जिसमें मैंने सारे टेबल्स, चार्ट्स, जैसे IUCN लिस्ट में क्या क्या आते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सी कमिटीज को हेड करते हैं, सारे डैम्स कौन कौन से हैं, पोर्ट कौन कौन से हैं, उस पूरे रजिस्टर में मैंने सिर्फ टेबल्स या लिस्ट बना लिए। वो मुझे एक जगह मैंने कर लिया। तो लास्ट टाइम जब लास्ट मोमेंट पे मैंने रिविजन किया, प्रीलिम्स के 3-4 दिन पहले उस कॉपी को मैंने जब पढ़ा तो सारा कुछ एकदम फ्रेश हो गया। आप मल्टीपल जगह से ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, आपके एक रजिस्टर में अगर हो तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अगर ये आप एक जगह कंसोलिडेट कर सकते हो चीजों को तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि इन स्टडीज के साथ साथ भी आपको एक और चीज पे काम करना होगा, दैट इज वर्किंग ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। बिकॉज इस टाइम पे आपको काफी डर लगेगा, आपको मन करेगा कि एग्जाम ना दे, आपको बहुत टेंशन होगी, लेकिन आपको ये सोचना है एस्पिरेंट्स को कि आप अकेले नहीं हो, हर किसी के साथ यही होता है, सबको डर लगता है। इसीलिए आप बस अपना काम करते रहो और आप पढ़ाई करते रहो, आपका जरूर होगा इस एग्जाम में। आपने 5 बहुत ही इनलाइटन करने वाले पॉइंट्स बता दिए हैं एस्पिरेंट्स को कि अगर वो उन्हें फॉलो करें तो मेंस के लिए श्योर हो सकते हैं। बस उन्हें अच्छे से रिविजन करना है, अगर उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, टाइम का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए अलग से डायरीज वगैरह बना सकते हैं और खुद को स्ट्रांग रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात हमारे सामने है कि इंटरव्यू को लेकर, जैसे इंटरव्यू ना केवल यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बल्कि इसको लेकर बहुत सारी बातें रहती हैं कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है। तो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? आप अगर कुछ बताना चाहें, क्वेश्चंस वगैरह शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और आपसे उन्होंने पूछ लिया। इंटरव्यू में तो ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही थे, जैसे कि मेरे डैफ पे, मेरे बैकग्राउंड पे, मेरे स्टेट पे। कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने पूछा कि आप व्हाई डू यू वांट टू लीव मेडिकल प्रोफेशन एंड कम टू आईएएस।
सेकेंड क्वेश्चन चेयरपर्सन ने पूछा कि आपने क्या सीखा है अपने आज तक करियर में जो आप यूज करोगे, जिसका कि हम फायदा उठा सकते हैं आपके स्किल्स का इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब मैंने जवाब दिया। फिर स्टेट से उन्होंने पूछा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि एवरीवन सल्यूट्स टू द राइजिंग सन, मेंशन वन स्टेट और वन प्लेस वेयर एवरीवन वर्शिप्स द सेटिंग सन, दैट इज इन बिहार वी सेलिब्रेट छठ पूजा, दैट दैट सिग्निफाइज द वर्शिपिंग ऑफ सेटिंग सन एंड दे आस्क मी द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। अदर क्वेश्चंस वेयर रिगार्डिंग माय मेडिकल फील्ड एंड वन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन वाज देयर। उन्होंने पूछा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो पूछेंगे कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स होता है तो आप अगर ड्यूटी पे हो और ऐसा कुछ हो जाए आप कैसे हैंडल करोगे या आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, सिचुएशनल क्वेश्चन मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। लेकिन उन्होंने ये ना पूछ के मुझसे ये पूछा कि आप ड्यूटी पे नहीं हो मगर आप वहाँ उस हॉस्पिटल के सीनियर मोस्ट सीएमओ हो और ये इंसिडेंट हो चुका है, कैजुअलिटी हो चुकी है, अब वहाँ पे बहुत वायलेंस मतलब इकट्ठा हो गए हैं, लोग रकस क्रिएट कर रहे हैं और एवरीबडी इज डिमांडिंग दैट यू शुड रिजाइन, एवरीबडी इज डिमांडिंग योर रेजिग्नेशन, देन वॉट विल यू डू। ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने वही बोला कि मैं तो पहले ऐसे स्टेप्स लूंगी कि ऐसी नौबत आए ही ना, क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूँ तो मुझे ये सब स्टेप्स लेने चाहिए जैसे कि ये हो ही ना। लेकिन उन्होंने फिर वो अड़े रहे, उन्होंने पूछा कि नहीं ऐसा हो ही गया है, फिर आप क्या करोगे, अब वो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा है इमरजेंसी को और वो रेजिग्नेशन हुआ। तो मैंने बोला कि मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी, इंक्वायरी करूंगी कि किसकी गलती थी, मेडिकल नेग्लिजेंस था कि नहीं ये वो। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, गलती मेडिकल फ्रेटर्निटी की ही थी, आप क्या करोगे, आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि नहीं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ आई वुड रिजाइन बाय टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन से वो खुश हुए या नाराज हुए, वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा जवाब दिया था। आपका रिजल्ट देखकर मुझे लगता है कि वो खुश हुए थे। ऐसे पोस्टैटी टेस्ट के मार्क्स तो पता नहीं, हो सकता है कि ना भी हुए हो। अच्छा, तो अभी जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और आपका जो ऑप्शनल है वो भी मेडिकल साइंस है, तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की थी? कोई क्लास वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? इसके बारे में कुछ बता दीजिए, जो अगर मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी की थी आपने? मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कोई क्लास नहीं ली थी। और मैं मेडिकल साइंस वाले एस्पिरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि आपने तो एमबीबीएस में सब कुछ डिटेल में ही पढ़ा होता है, हम लोगों ने तो क्लासेस की जरूरत नहीं है, सिलेबस भी लिमिटेड है जितना हमने पढ़ा है, बस आप सिलेबस पे स्टिक रहिए, डोंट रीड आउट ऑफ सिलेबस। आप नोट्स बनाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चंस सेम पैटर्न के रिपीट होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे एकदम यूनिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस। आप पैटर्न को समझिए, आप नोट्स बनाइए, नोट से ये फायदा होगा कि आप आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ने से बचेंगे, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप बुक से जब पढ़ते हैं, मैंने शुरू में बुक से पढ़ा तो मैंने देखा कि मैं बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लगती थी, क्योंकि आप बुक खोलते हो तो एक टॉपिक है, उसके बाद एक टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप नोट्स बना लें और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करें। आप डायग्राम्स का जरूर यूज करें, डायग्राम प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएं और एक भी क्वेश्चन छोड़े ना, अटेम्प्ट ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो आपने बहुत अच्छा सजेस्ट कर दिया है मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे हमने प्रीलिम्स, आपके ऑप्शनल और इंटरव्यू पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न मेंस के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपको मेंस, आपने मेंस को कैसे अप्रोच किया? और जैसे कि हमारी पहले की बातचीत में आपने मुझे बताया था कि आपका पेपर 4 काफ़ी अच्छा था, एथिक्स, जिसमें लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर आता है, लेकिन सच्चाई तो यह है सबका नहीं आता है। तो आप बताइए कि कैसे लोग पेपर 4 प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये कुछ अगर आप स्टूडेंट्स को गाइड करें तो बेहतर रहेगा। से मार्क्स तो अभी भी नहीं आए हैं तो मैं नहीं कह सकती मेरा अच्छा आया कि बुरा आया, लेकिन ये है कि पेपर 4 में मुझे मजा आता था। जनरली लोगों को
वो उबाव लगता है या नहीं मजा आता, लेकिन मुझे बाकी सारे पेपर्स में पढ़ने में मेंटल स्ट्रेन लेना पड़ता था, तो जब मैं थक जाती थी तो मुझे एथिक्स पढ़ना अच्छा लगता था। उससे आप मुझे पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प मिलता था, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस वाला चैप्टर मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हेल्प मिला कि मैंने अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाया। उसी से सीखा मैंने कि मैं मुझे कैसे अपने इमोशंस को पॉजिटिविटी में बदलना है, वीकनेस में नहीं बदलने देना है और उसको स्ट्रेंथ बनाना है। तो ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में मजा आता था। कुछ के लिए जैसे RTI, ये सब के लिए मैंने ARC रेफर किया। तो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो आप ARC तो कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, उतना लेंदी वो बुकलेट है, तो मैंने समरी से उसको प्रिपेयर कर लिया। और ये सब के बाद भी कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं सिलेबस वाले, तो आप उनको गूगल पे या ऑनलाइन वीडियोस पे या किसी भी तरह से मैंने इधर उधर से नोट्स बना लिए और उसमें एग्जाम्पल्स डाल के उसको रख दिया। और सारे जितने भी टॉपिक्स थे उस पे मैंने कोटेशंस दो 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 लिख दिए थे, जैसे इंटीग्रिटी पे दो कोटेशन, ऑनेस्टी पे दो, अगर आए तो इसको यूज करना है। इसी तरह से मैंने इसका एक नोट्स बना लिया, इसको बार बार प्रैक्टिस किया, पढ़ा। केस स्टडीज के लिए मैं बताना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस होती है आपकी कि आप उतने समय, लिमिटेड समय में आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो कि नहीं, सारा क्वेश्चंस आपका छूटना नहीं चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल था और ये हो पाया। आपने काफ़ी अच्छी बातें बता दी हैं। मुझे लगता है कि इन्हें फॉलो करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है GS Paper 4 में। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा जो हम अपने लगभग सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपके इस जर्नी में OnlyIS का क्या रोल रहा, मतलब इसने आपको किस तरीके से आपकी सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट किया। जी, दिस क्वेश्चन आई वॉज विलिंग टू आंसर बिकॉज आई वुड गिव अ वेरी ह्यूज क्रेडिट टू OnlyIS फॉर माई सक्सेस। स्पेशली सुमित सर, इस चैनल ने और सुमित सर ने मेरे प्रिपरेशन में दो रोल को निभाया। एक तो स्टडी वाला पार्ट था, दूसरा मोटिवेशनल वाला पार्ट था। दोनों में मुझे मदद मिली। शुरू में मुझे इस चैनल के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक बार मैंने, मुझे याद है अगस्त 2018 में मैंने उनका एक वीडियो देखा जो मोटिवेशनल वीडियो था। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, 3-4 दिन के न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गए थे, वो भी खत्म नहीं हो पा रहा था, बेटे की भी याद आ रही थी, मतलब मैं बिल्कुल टूट रही थी। तो फिर मैंने वो वीडियो देखा, फिर मुझे पता नहीं क्यों एकदम अचानक से लगा कि जैसे एनर्जी आ गई, वो मुझे बहुत मोटिवेशनल लगा। तो फिर मैंने और भी वीडियो सर्च किए OnlyIS के, फिर मुझे पता चला कि एडिटोरियल का भी डिस्कशन आता है, प्रिलिम्स बूस्टर आता है, वो सब मैं डेली पढ़ने लगी। फिर आप एक तरह से मैंने सारे वीडियोस देख फॉलो किए हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो या वो मैथ का रिवीजन हो या सिक्योरिटी का हो, मतलब मैंने सारे वीडियोस देखे हैं उनके। और जब भी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मैं यही वीडियोस देखती थी, क्योंकि आपको ये पढ़ने में, इस वीडियोस को सुनने में बिल्कुल भी स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं लगता दिमाग पे, आप एकदम रिलैक्स मूड पे सुन सकते हो। तो काफी ऐसे टाइम मेरा यूटिलाइज हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, तो मैं इसको क्रेडिट देना चाहूंगी। और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी, उनका एक वीडियो आया था 2 जून के एक दिन पहले, 1 जून को, प्रीलिम्स के एक दिन पहले, उसमें उन्होंने बोला था कि आप अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि नो मैटर हाउ बैड इट इज आई एम गोइंग टू मेक इट। तो मैंने उस पे कमेंट भी किया था और दिस स्टेटमेंट वॉज रिंगिंग इन माई ईयर्स द होल डे, एंड मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मैं ये कर पाई। सो यू फाइनली मेड इट और आप अभी हमारे सामने हैं। और अच्छा ठीक है, तो आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज पेरेंट्स को, एक कोई ऐसी बात या कुछ भी ऐसा जो वो हमेशा याद रखें, जो उनकी तैयारी में उन्हें बूस्ट करता रहे या उनको मदद करे, कुछ ऐसा आप उन्हें मैसेज अगर देना चाहें तो। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि डोंट टेल पीपल योर ड्रीम्स, जस्ट शो देम एंड यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट इट ट्रूली डीपली बाय योर हार्ट। दैट इज़ द परफेक्ट थिंग। मुझे लगता है कि वो ये करके खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। और जैसा कि आपने एक बात हमारे पहले के कन्वर्सेशन में मुझे बताई थी कि आपको बीच बीच में लगता था कि छोड़कर चले जाएं, फिर आपने सोचा कि छोड़कर क्यों जाते हैं, इसे जल्दी ख़त्म करके जाते हैं विद द सक्सेस। तो आपने वो किया,
और वो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कि वो इसे बीच में ना छोड़ें, बल्कि इसे जल्दी ख़त्म करें और अपनी सक्सेस अचीव करके आगे बढ़ें। आपके साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर, और मुझे उम्मीद है कि आपकी कई और सारी सफलताओं के साथ हम अपने स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन फिर से करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।